टिहरी कोतवाल सुंदरम शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वो अपनी गर्म मिजाजी के कारण हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं और इस बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा उनियाल के छोटे भाई आर्किटेक्ट हैं और उनका बड़ा नाम है, उनके साथ बदतमीजी की और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वर्दी की हनक के सामने कोई नहीं टिकता। वर्दी की हनक उन पर इतनी हावी है कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं अपनी वर्दी के आगे। उन्होंने पत्रकारों के साथ भी आज बदतमीजी कर डाली। कमलो जी क्या घटना हुई? मैं 10:30-11 बजे के आसपास अपने वोट डालने गया था वार्ड नंबर 10 में, तो वहाँ पे एक अनजान व्यक्ति थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। पुलिस ने उनको घेरा था करीबन 8-10 लोगों ने और उनकी गाड़ी में और उन पर धक्के मुक्के कर रहे थे। उस बीच मैं वहाँ पे गया बीच बचाव के लिए, तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिए और अनशन गाली वाली भी दी, जो एक कानून की रक्षा करने वालों के लिए मुँह से अच्छी नहीं लगती। ये साजिशन सरकार की तरफ से है। जो कुड़ियाल जी हैं, एक इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की गई तो उन्होंने भी अभद्रता की और पूरा पुलिस प्रशासन एक तरफ है और किसी तरह से हमारे प्रत्याशी को डराने अधिकारी का सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्य कर रहे हैं। तो क्या कहना है आपके इसके? बिल्कुल बिल्कुल, इसको अभी इलेक्शन है, अभी आचार संहिता है, 20 तारीख के बाद हम इसका जवाब जरूर।